हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम लगवाने वाले हैं अलग ही लेवल की रेस, अल्टो वर्सेस बुलेट। तो भाई दोनों चीज़ों का कोई वैसे कंपटीशन नहीं बनता। अल्टो हमारी वेट में भी ज़्यादा है, पैसों में भी ज़्यादा है। वेट की बात करें तो 850 किलोग्राम इसमें वेट है, हमारी बुलेट में 180 किलोग्राम वेट है। इंजन की बात करें तो 796 सीसी का इसमें अल्टो में आता है और 350 सीसी का हमारी में बुलेट में आता है। तो भाई पिकअप में पता पड़ेगी कौन सी गाड़ी या बाइक कौन सी चीज़ हमारी आगे निकलेगी। अल्टो की मीटर की बात करें तो उसमें हमें 180 स्पीड मिलती है देखने को, और जो हमारी बुलेट है उसमें मिलती है 160 देखने को। तो पिकअप में असली पता पड़ेगी कौन सी जीतेगी कौन सी नहीं। तो उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को देखना अंत तक, क्योंकि वीडियो में आने वाला है पूरा मज़ा। और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, आईडी मेरी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो अल्टो के इंजन की बात करें तो 796 सीसी का हमें इसमें इंजन मिलता है जो 40 bhp की पावर देता है और 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और बुलेट के इंजन की बात करें तो 346 सीसी का हमें इसमें इंजन मिल जाता है, 19 bhp की पावर देता है, 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो कहीं ना कहीं भाई रेट प्राइस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके। अल्टो हमारी पड़ जाती है 4,60,000 के करीब, जो हमारी बुलेट आती है ये पड़ जाती है 1.5 से 1.80 के बीच में। तो प्राइस का भी 3,10,000 का डिफरेंस पड़ जाता है। तो करते हैं भाई अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो अल्टो चलाएंगे हमारे प्रिंस भाई और बुलेट को चलाऊँगा मैं। तो हमारे प्रिंस भाई का कहना है पिकअप नहीं बना, तो एक और चांस देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो तनु कह रहा कि तीसरे हॉर्न छोड़ियो, अरे तीन हॉर्न मारूंगा जब छोड़ियो। तो आपने दोनों राउंड्स देख लिए, दोनों राउंड्स में हमारी बुलेट विनर रही है। तो भाई अल्टो और बुलेट की रेस हो तो बुलेट ही विनर रहेगी। और लंबी रेस में भी आप देखना चाहते हो तो वीडियो को सपोर्ट करो, अगली रेस हम लंबी बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।